हेलो एवरीवन, कैसे हैं बच्चों आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि कब रिजल्ट आने वाला है, कब आपकी रिवाइज आंसर की आने वाली है। बहुत सारे सवाल हैं बच्चों के। देखिए, रिजल्ट कब तक आएगा इसके ऊपर बात करने वाला हूँ बच्चों। आपको बहुत ही तरीके से मैंने यहाँ पर समझाया है, यदि आप देख सकते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की है, और ये भी बताने की कोशिश की है कि आप क्या गलती ना करें जिससे कि आप को बेनिफिट ना मिल पाए। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो रिजल्ट कब तक आएगा आपका, यहाँ पे इस पे बात करने वाले हैं। रिजल्ट जो है आपकी रिवाइज आंसर की है वो कब तक जारी हो सकती है, रिवाइज आंसर की में कितने क्वेश्चन बढ़ेंगे बच्चों का सबसे ज्यादा सवाल ये है, और क्या सभी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे, इसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा करने वाला हूँ मैं, जिससे आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे बच्चों। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बच्चों देखिए, रिजल्ट कब आएगा, सबसे बड़ी बात है रिजल्ट की। तो बच्चों देखिए, आपको पता होगा यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि 14 मार्च के बाद रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें कितनी सच्चाई है। बच्चों देखिए, 14 मार्च को लगभग आपको पता होगा सभी को कि आपकी आचार संहिता लग जाएगी चुनाव के लिए। तो आचार संहिता के बाद रिजल्ट आउट नहीं हो सकता क्या? तो बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, रिजल्ट आउट हो सकता है। कोई न्यू वैकेंसी या कोई न्यू कार्य नहीं हो सकता, लेकिन रिजल्ट आपका आउट हो सकता है। जो बच्चे ये कमेंट कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं, वो बिल्कुल गलत हैं कि 14 मार्च के बाद रिजल्ट आउट नहीं हो सकता। तो बिल्कुल हो सकता है बच्चों, इसमें आपको कुछ भी नहीं सोचना है, क्योंकि रिजल्ट आपका आउट हो सकता है आचार संहिता में भी। बात करते हैं यहां पे 28 मार्च, अब जो न्यू डेट बता रहे हैं बच्चों, जो आपको पता होगा कि बहुत सारी चीजें यूट्यूब पे वायरल होती हैं कि सर 28 मार्च को यहां पे रिजल्ट आ जाएगा। बच्चों हो सकता है 28 मार्च में आपका यहां पे रिजल्ट आ जाए, और हो सकता है ना भी आए, ये पक्की कंफर्म डेट नहीं है। तो 28 मार्च भी आप, मुझे नहीं लगता रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है उससे पहले भी आ जाए और हो सकता है उसके बाद भी आ जाए। यहां पे 28 मई भी बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 28 मई को आएगा। 28 मई के बाद बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि 10 जून को रिजल्ट आपका आएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द हो पाएगी। तो बच्चों को यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चों इनमें से कोई सी भी डेट रियल नहीं है, ना ही अभी कोई भी भर्ती बोर्ड ने कोई ऐसी डेट अनाउंस की है कि इस दिन आपका रिजल्ट आएगा। तो कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, लेकिन 10 जून बता रहे हैं बच्चों, इतना लंबा नहीं खींचेगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। और बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर भर्ती रद्द हो जाएगी क्या? बच्चों अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि भर्ती रद्द हो जाएगा। भर्ती रद्द होती तो आपका पेपर रद्द होता, जो आपको लीक समझ रहे हैं जिसको आप, अगर ऐसा होता तो पेपर रद्द होता, तो यहाँ पे भर्ती कभी रद्द नहीं होती है। तो भर्ती बिल्कुल भी रद्द नहीं होगी, जो बच्चे ये सोच रहे हैं वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिवाइज आंसर की कब आएगी। देखिए, रिवाइज आंसर की के बारे में आपको बता दूं मैं, बहुत सारे बच्चों के मन में ये था कि सर 14 मार्च को रिवाइज आंसर की आपकी आ जाएगी। तो 14 मार्च को रिवाइज आंसर की बच्चे नहीं आई है, आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आपकी रिवाइज आंसर की कैसे आती है। यहां पे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर 22 मार्च को आपकी यहां पे आपकी जो है रिवाइज आंसर की आ जाएगी। तो बच्चों अभी कोई भी ऐसी अपडेट नहीं है कि 22 मार्च को आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी, ना ही इसकी कोई अपडेट होती है। हो सकता है आज भी आ जाए, हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद आ जाए, ऐसी कोई भी डेट अभी कंफर्म नहीं हुई है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए, ना ही कोई ऐसी चीजें आपको, बहुत सारे बच्चों ने रिवाइज आंसर की बता दिया है, यानी उन्होंने जो है एडिट करके क्वेश्चनों को जो है उन्हें सही करके ये जो है फैला दिया बात, लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल रिवाइज आंसर की नहीं आई है। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर क्या 3 अप्रैल तक रिवाइज आंसर की आ सकती है? बिल्कुल बच्चे, हो सकता है 3 अप्रैल तक आपकी रिवाइज आंसर की आपको देखने को मिल जाए, उससे पहले भी आ सकती है, लेकिन इसके भी इसमें भी कुछ कन्फर्म नहीं कह सकते हैं बच्चा कि ये बिल्कुल रियल डेट है। अभी कुछ भी नहीं है ऐसा जो मैं आपको यहाँ पे बता पाऊँ। रिजल्ट जो है रिवाइज आंसर की बिल्कुल सही है, यहाँ पे रिजल्ट जो है रिवाइज आंसर की के साथ भी आ सकता है, और आया भी है कई बार। आपने देखा होगा कि रिजल्ट जो है जैसे ही आपका रिजल्ट आया उसी के साथ में आपकी रिवाइज आंसर की खुलती है, और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट के बाद या रिजल्ट से पहले कि आपकी रिवाइज आंसर की में ये क्वेश्चन आपको मिले हैं। अब बहुत सारे बच्चों के मन में है क्या सभी शिफ्ट में क्वेश्चन गलत थे? बिल्कुल सही है बच्चों, सभी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन गलत थे, इसमें कोई दोराय नहीं है। मेरी ऑलरेडी वीडियो पड़ी है, जाकर आप देख सकते हैं कि हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन आपके गलत हैं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन भी गलत हैं, कुछ मैथ के क्वेश्चन भी गलत हैं, कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी आपके गलत हैं, और हिंदी के क्वेश्चन भी उसमें कुछ गलत दिखाए गए हैं। तो आप जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, हमारे चैनल पर भी आप जाकर विजिट करिए, वहां भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। बच्चों क्या सभी शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन बढ़ेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेंगे बच्चों। जो बच्चे 1 से 2 क्वेश्चन के लिए बाहर हो रहे हैं, मान लिया आपको ये 50% इसमें आपको लाने हैं, अगर आपके 20 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, मान लिया किसी बच्चे के 20 क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, 19 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे अगर उसके उनके नंबर बहुत अच्छे हैं। तो यहां पे आपके 1 से 2 नंबर बढ़ेंगे उन बच्चों के लिए जो 1 से 2 क्वेश्चन से आप बाहर हो रहे हैं, तो वो इसमें अंदर आ सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत है, मान लिया मैथमेटिक्स में आपके 19 रह गए हैं और आपको लगता है कि एक क्वेश्चन इसमें गलत है वो आपको मिलना चाहिए, तो हो सकता है रिवाइज आंसर की में वो क्वेश्चन आपको मिल जाए और आप क्वालिफाई हो जाए। बच्चों आपको पता होगा सेक्शन वाइज यहां पर नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा, तो इससे भी आप बेझिझक रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कट ऑफ के बारे में, कट ऑफ कितनी जाएगी, हर बार हर तीसरा सवाल है सर कट ऑफ कितनी जाएगी, हर तीसरा सवाल है। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, जो आप ये समझिए कि अगर आपके मेल कैंडिडेट हैं आप, मैं सारी नहीं बता रहा हूँ, जनरल ओबीसी आपकी ईडब्ल्यूएस ये अब आपको ये कर लेनी है एससी एसटी की, और उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही अच्छे से मैंने कट ऑफ जो है एनालिसिस की है और आपको सारी चीज़ें वहाँ पर समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक टारगेट बनाया है कि अगर आपके 290 मेल कैंडिडेट हैं आप और 290 आपके आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, आप अपने फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। बच्चों बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की, अगर आपके 270 बन रहे हैं तो बच्चों आप भी सेफ जोन में हैं, आप भी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं, अगर आपके ये बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं सर सेफ जोन बता दीजिएगा, सेफ जोन तो बच्चों सेफ हैं आप अगर आपके इतने क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं। अब थोड़ी सी पॉइंट आपको बता देता हूं मैं कि पहली मेरिट में और आपकी मेरिट में क्या अंतर है। देखिए फिजिकल में बहुत सारे बच्चे जो निकलते हैं, इससे सावधान रहना है आपको, फिजिकल में वाकई में ही बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप भी बाहर हो, तो अपने फिजिकल को बिल्कुल तैयार रखिएगा। आपको पता होगा आंसर की आपकी आ चुकी है, यदि एक आध नंबर से आप रह रहे हैं तो प्लीज़ आप रनिंग स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपको एक दो नंबर पे मिल जाएं या एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएं और आप वहां पे क्वालिफाई कर जाओ। यदि आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, टारगेट आप अचीव कर रहे हैं, ये सेफ जोन में आप आ रहे हैं, तो अपना फिजिकल बिल्कुल तैयार रखिए। बात करता हूं यहां पे 2017 में 666 वैकेंसी आई थी बच्चों, इसमें कुल अगर कट ऑफ की बात करता हूं तो कुल 137 नंबर पे कट ऑफ गई थी। इसका कारण यही था क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, फिजिकल में कुछ बच्चे बाहर हो गए थे, तो मात्र 137 ही यहां पे कट ऑफ गई थी। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नर्वस हो जाते हैं, तो ये कट ऑफ भी आपको ध्यान रखनी है अपनी, अगर आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज आप तैयारी करिएगा अपने फिजिकल की। हो सकता है रिजल्ट के बाद आपको ज़्यादा टाइम ना दे पाए, वो ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तो आप फिजिकल से बाहर हो जाओगे, क्या फायदा उस पढ़ाई का, तो प्लीज़ अपनी तैयारी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।